कानपुर देहात क्षेत्र में ड्राइवर की लापरवाही के चलते प्राइवेट स्कूल बस अनियंत्रित होकर पलटी। तेज रफ्तार से ओवरलोड ट्रक के अचानक मोड़ पर आ जाने से हुआ हादसा। स्कूल बस में सवार थे 16 बच्चे, 6 बच्चे हुए गंभीर रूप से घायल। SDS इंटर कॉलेज दिल्ली की है स्कूल बस। ग्रामीणों का आरोप है कि नशे में था ड्राइवर। घायल बच्चों को स्थानीय लोगों की मदद से पास के ही अस्पताल में किया गया भर्ती। मूसानगर थाना क्षेत्र के पुलंदर गांव की घटना। महेंद्र यादव कहाँ के निवासी हैं? ग्राम बुढ़ा। यह हादसा कहाँ पर हुआ है? यहाँ का हो रहा है बुढ़ा और पुलंदर के बीच में। इस बस में कितने बच्चे सवार थे? काफी लड़के लगभग। अच्छा, क्या उम्र रही होगी उनकी? उम्र रही होगी 8 साल से लेकर 16 साल तक। यह हादसा कितने बजे हुआ है? 7:30 फिर का हुआ। ले गए कौन सा अस्पताल? ले गए कुछ जानकारी है? अभी तो कोई पूर्णतया जानकारी यहाँ पर अवगत नहीं। प्रशासन कितनी देर बाद प्रशासन आया यहाँ पर? 1.5 घंटे। 1.5 घंटे बाद आओ भैया। सूचना ग्रामीणों ने दी या फिर स्कूल बस? हमें तो हमारे के ग्राम के लोगों ने दिया। कानपुर देहात से ब्यूरो चीफ अनित कुमार दुबे की रिपोर्ट। समाचार इंडिया न्यूज़ कानपुर देहात।